हेलो एवरीवन, यह है आपका अपना चैनल बी सी एजेक्शन। मैं हूं अंकित सिंह और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं आप लोगों से, जैसे कि जिसे कहते हैं टाइपिंग स्किल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कंप्यूटर पे बैठते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइपिंग स्किल। ठीक है, मान लो आपने सब कुछ सीख रखा है बट आपको टाइपिंग नहीं आ रही, क्या फ़ायदा नहीं आ रही। आप 20 वर्ड पर मिनट लिख रहे हो, 10 वर्ड पर मिनट लिख रहे हो, ऐसे बटन देख देख के लिख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हो तो आपको नॉलेज आनी चाहिए लगभग लगभग टाइपिंग की, कुछ नहीं तो मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट। कंपनीज़ में 30 मांगते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो 40 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, देखो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप बढ़िया टाइपिंग स्किल पा सकते हो, टाइप कैसे कर सकते हो, अच्छा ब्लाइंड टाइपिंग कैसे कर पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग तो आपको देखो सबसे पहले मैं आपको अपना करके दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसमें मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ठीक है, मोस्टली प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इस वेबसाइट को रखा है। मैं फ़िलहाल 25 कैरेक्टर्स लिखूँगा। ठीक है, गलतियाँ मेरे से इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और कुछ नहीं है। देखो 70 वर्ड पर मिनट आई है। ठीक है, यही चीज़ है। आप जब ब्लाइंड टाइपिंग करते हो ना, सामने सिर्फ अपनी स्क्रीन में देख के कि सामने क्या लिखना है या अपनी कॉपी में देख के आप लिखे जा रहे हो, तो वो चीज़ ना आपको इम्प्रूव करती है, लाइक फोकस के लिए भी कह सकते हैं, फोकस के लिए भी इम्प्रूव करती है और आपका हाथ जो होता है ना ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक है, तो कई लोग तो कहेंगे कि मास्टर टाइपिंग मास्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पेड होता है। ठीक है, स्टार्टअप वहाँ से कर सकते हो अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ से कर सकते हो, सबसे इजी मैं आपको बताता हूँ, typing.com आ जाओ। ठीक है, वेबसाइट है typing.com, ओपन कर लो, फ्री वेबसाइट है। देखो यहाँ स्टार्ट टाइपिंग टुडे का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये देखो इसमें सारे ये सारे चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं, 15 चैप्टर्स, जिसमें आप बिगिनर्स असेसमेंट, मतलब मिनिमम 30 तो आपकी ये करवा ही देगा अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, इसमें भी प्रीमियम का ऑप्शन है बट फिलहाल आपको उसकी नीड नहीं है। ठीक है, मैंने ज़्यादा करा नहीं है इसलिए 20 वर्ड पर मिनट एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, देखो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, मैं आपको जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने सारा कर रखा है, कंप्लीट है, देखो कंप्लीट है तो ग्रीन दिखा रहे हैं। हाँ, मेरी एवरेज उस टाइम 42 थी, काफ़ी पुराना है ये। ठीक है, तो ये चीज़ में आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। मान लो मैं रीस्टार्ट एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको चीज़ें यहाँ बताता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देख रखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो यहाँ पे आप स्किप वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, स्किप वीडियो कर दो, आगे ये बोलता ऐसे ही रहेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने। अब देखो ये आपको यहाँ बता रहा है टाइप द जे की। आप यहाँ पे सबसे पहले देखो फिंगर्स कहाँ रखे हैं इसने, ये दो फिंगर्स आपको ऑलवेज याद रखनी है। ठीक है, जब आप एफ और जे इन दोनों बटन्स को टच करोगे, फील करोगे ना, तो आपको फील होगा कि इस पर हल्की सी या तो डॉट बना होगा या फिर हल्की सी लाइन बनी होगी, पतली सी ऊपर की साइड उभरी होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो F पार्ट है उस पर आपको ये फिंगर रखनी है और जो J पार्ट है उस पर आपको ये फिंगर रखनी है। उसके बाद अपने आप ही फिंगर्स सेट हो जाएंगी। आप कैमरे में आपको दिख रहा होगा, देखो दोनों फिंगर्स हैं F पे और J पे। ठीक है, मैंने दोनों पे रख दिया, ये बोल रहा है J दबाने के लिए। J रखने के बाद K, ये अपने आप सारे सेट हो गए, मैंने J प्रेस करा। ठीक है, एंटर दबाने के लिए ये वाला बटन, अब कह रहा है J J J J J। ठीक है, यही चीज आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर इसी की प्रैक्टिस करनी, दिन भर क्या, आप दिन में एक घंटा भी करोगे ना एक महीने तक, आपकी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो और ये यहाँ पर आके आप इसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस, जैसे कि आप लिखने लगे तो यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। ठीक है, एटी
वैसे मेरी एवरेज आ जाती है 100, बट मेरे को अप्रोक्स 1.5 से 2 महीना हो गया है टाइपिंग प्रैक्टिस किए हुए, ठीक है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोफाइल है मेरी, देखो लकी प्रोग्रामर लकी, ठीक है। प्रोफाइल पे आ जाते हैं हम, हाईएस्ट मेरे देखते हैं कितना है, जो आज तक का मैंने हाईएस्ट बनाया वो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाईएस्ट WPM वर्ड पर मिनट, 120 वर्ड वर्ड पर मिनट मैंने लिखा है, अभी तक का हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट मेरी एक्यूरेसी रही है 100 वर्ड पर मिनट की, और एवरेज वर्ड पर मिनट जो कि काफ़ी पुराना 1.5 महीने पहले का है वो है 67, ठीक है। मतलब उससे भी काफ़ी पहले का है जो कि 67 है, ठीक है। वैसे मेरी इस टाइम जो एवरेज चल रही है वो लगभग 80 और 100 के बीच में की मेरी एवरेज चल रही है। आप भी ऐसे क्या कर सकते हो, अपनी जो प्रैक्टिस है, टाइपिंग स्किल है, आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो। यही चीज़ें हैं, जितना आप कोशिश करो कि दूसरी बुक ले लो, बुक में से जब आपको पता चल जाए वर्ड्स कहाँ पर हैं तो बुक ले लो। बुक में से क्या करो कि एक यहाँ बुक देखो, इसमें दबाओ, गलती हो जाती है, आप दोबारा देखो और दोबारा फिर प्रेस करो, ठीक है। यही एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग स्किल को अपने इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इसके बारे में तो आज हमने बात कर ली, बस मैं यही आपको मैसेज देने आया था कि आप जब भी टाइपिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहो तो ऑनलाइन वेबसाइट से ही करो, क्योंकि ज़्यादातर जितने आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे सारे पेड होते हैं, बट जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं लाइक typing.com हो गया, लर्न टाइपिंग, ऐसी काफ़ी सारी है। देखो मैं हिंदी टाइपिंग यहाँ से लर्न करता हूँ, ये रही काफ़ी ज़्यादा, ये भी काफ़ी वो पड़ जाती है मेरे को अभी तो। अभी मैं सीख रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं किया है मैंने, फिर भी काफ़ी ठीक ठाक आ जाता है। ऐसे ही क्या करते हैं, बाकी सारे टाइपिंग्स जो भी है हमें सीखनी है वो, और नंबर पैड की भी आप कोशिश करोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पैड में देखोगे तो जो मिडिल फिंगर के लिए 5 बनाया हुआ है, 5 पे देखोगे तो डॉट होगा, या फिर जो लाइन मैंने बताई आपको मिडिल फिंगर वहाँ रखनी है, बाकी 3 फिंगर राइट साइड में, ठीक है। उसी से सारी चीज़ें चलेंगी, एंटर दबाने के लिए आपको ये फिंगर ऑलवेज यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी कुछ शॉर्टकट वगैरह भी मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट्स में, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो डाला करूँगा शॉर्टकट्स के, काफ़ी सारे मतलब बढ़िया बढ़िया आपको शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। जब आप यूज़ करोगे उन चीज़ों को तो क्या होगा, आपको भी वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और क्या होगा कीबोर्ड के साथ आप खेलने लगोगे, कीबोर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने के लगेगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और वीडियो आपने देखा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करो जितना आप कर सको, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग स्किल बढ़ानी है तो आप वही चीज़ें फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है, आपको काफ़ी जगह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट सबसे इजीएस्ट वे यही है, typing.com पे आप जाओ, वहाँ जैसा वो बताता है वैसा करो, सिर्फ 15 लेसन्स है, वहाँ से स्टार्टिंग करो, मंकी टाइप पे आकर आ करके आप क्या करो अपने टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो, डेली 1 आवर दो अपने टाइपिंग को बस। फिर आप 1 से 1.5 मंथ में आप फिर मैसेज करके मेरे को कमेंट करना ज़रूर कि आपकी टाइपिंग स्किल कितनी हो गई, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, अब हम चलते हैं, मतलब हम चलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।